चलिए बात करते हैं पर्सनैलिटी थ्योरी की, और जो पर्सनैलिटी थ्योरी है आपके सिलेबस में, उस पर्सनैलिटी थ्योरी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये चार तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? चार तरह की पर्सनैलिटी थ्योरी होती हैं। पर्सनैलिटी थ्योरी का मतलब है कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पर्सनैलिटी के लिए अलग अलग थ्योरीज दी हैं, और वो चार थ्योरी इस प्रकार हैं। पहली थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिकल, दूसरी थ्योरी का नाम है ट्रेट थ्योरी, तीसरी थ्योरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, और जो फोर्थ थ्योरी है सोशल थ्योरी। तो पहली थ्योरी में जो है सेगमेंट फ्रॉइड जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने वो थ्योरी दी है, और उन्होंने इस थ्योरी साइको एनालिटिकल एलिमेंट्स पे दी है। किस पे दी है? इड, ईगो और सुपर ईगो। ट्रेट थ्योरी जो है इनहेरेंसी पे है और इन्वायरमेंट पे है। जो ट्रेट थ्योरी है, ट्रेट का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इनहेरेंट करते हैं और इन्वायरमेंट से। जो तीसरी थ्योरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट की, उसमें सब कुछ आप सेल्फ डेवलप करते हैं, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से डेवलप होती है। और लास्ट थ्योरी जो सोशल है, उसमें सोसाइटी के आप कोई काम करते हैं तो सोसाइटी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उस बेस पे। तो आइए आगे इन चारों थ्योरी को हम लोग एक एक करके कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं। साइको एनालिटिकल, ट्रेट थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है सिगमंड फ्रेड एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, और उनके अकॉर्डिंग इसमें कुछ साइको एनालिटिक एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स के नाम ये क्वेश्चन में जरूर आएगा, इड, आईडी इड, नेक्स्ट वन इज ईगो एंड सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इसको मैं समझाता हूं आपको क्या। देखिए, आपको ये पता होगा कि जितने ह्यूमन बींग्स हैं उसमें एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड हमको कुछ भी करने से पहले सोचने नहीं देता, कॉन्शियस माइंड हमको कुछ भी करने से पहले सोचने देता है। अगर हम ये कहें कि कई मामलों में एनिमल्स जो होते हैं अनकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक एनिमल है, वो भी कई मामलों में अनकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। इसका मतलब उसका इड जो है अनकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, और ये अनकॉन्शियस माइंड में वो क्या करते हैं, वो किसी भी कॉस्ट में, एनी कॉस्ट में इमीडिएट प्लेजर, एंजाइटी और पावर। आपने देखा होगा किसी को गुस्सा आया, उसने एकदम से थप्पड़ मार दिया, सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, चोरी कर ली, तो ये क्या है, उसका इड क्या है, उसको प्रेशराइज कर रहा है, यानी उसको कॉन्शियसनेस में जाने ही नहीं दे रहा, कुछ सोचने नहीं दे रहा। तो ऐसे ही जो है हमारी बायोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं, जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं, हमारी क्या है सत्ता पाने की जो लालच होता है, वो एक तरह से वो कहीं कहीं हमें कभी कभी क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड से काम करवाता है, जिसको हम बोल रहे हैं इड। तो इड का समझ गए, अनकॉन्शियस माइंड एनी कॉस्ट पे इमीडिएट आपको प्लेजर चाहिए, एंजाइटी है और पावर है, तो ये सब काम हो गया किसका, इड का। अब सेकंड आते हैं हम किसमें, ईगो में। ये जो ईगो है, हमने भी बताया कि ईगो इज द कॉन्शियस, तो कॉन्शियस माइंड में क्या होगा, प्लेजर हम चाहिए लेकिन अभी नहीं, कुछ समय देंगे, सही समय का इंतजार करेंगे, सही सिचुएशन का इंतजार करेंगे एट एप्रोप्रिएट टाइम, और सिस्टमेटिक मैनर से लेंगे। जैसे हमें कोई चीज चाहिए, हमें एकदम से ले ली, वो इड है, नहीं अभी लेना ठीक नहीं है, इसको हम कल लेंगे। छीन के ले ली, इड है, मांग के ली, कॉन्शियस माइंड अप्लाई किया, मांग के ली, तो क्या होगा, ईगो। अब एक और वर्ड है इसमें, क्या है, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो की जब बात करेंगे, तो ये जो सुपर ईगो होती है, ये सुपर ईगो सपोर्ट करती है ईगो को। तो इंसान की सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होनी चाहिए, सुपर ईगो अच्छी होनी चाहिए। सुपर ईगो अगर कम हो रही है, तो कम से कम ईगो तो ठीक ठाक हो,
यहाँ ईगो का मतलब वो अहंकार से मतलब नहीं, ईगो अलग चीज है। ये जो सिगमंड फ्रेड थे साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोएनालिटिक के एलिमेंट्स बताए जो क्या करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं आपकी पर्सनैलिटी। तो अगर कोई आदमी इड यानी अनकॉन्शियस माइंड से काम करता है तो वो इड है और वो जस्ट लाइक एक एनिमल है, और ईगो से काम करता है तो वो सोच समझ के कर रहा है कि अभी नहीं करना है, क्या बोला एप्रोप्रिएट टाइम एंड सिस्टमेटिक मैनर से करता है। और अभी बात आती है सुपर ईगो की, जो कि सपोर्ट करती है। और एक पर्सनैलिटी में ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें बैलेंस हैं आपके उसमें तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। थ्योरी हमारी है ट्रेट थ्योरी। तो ट्रेट थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट रखा हुआ, ट्रेट थ्योरी में पर्सनैलिटी को बनाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी ये काम नहीं करता है, इड ईगो और तीसरा था सुपर ईगो। यहां पे ट्रेट थ्योरी में कहता है कि वो किस जेनेटिक इनहेरेंसी पे है, क्या वो इनहेरेंट करता है, यानी उसके पेरेंट्स फोर फादर से क्या उसको मिला है, वो प्लस एनवायरमेंट दो चीजें हुई। और इसमें भी उन्होंने ट्रेट थ्योरी में बिल्कुल साफ साफ बताया है कि क्या होता है, इनहेरेंट जो है मोर पावरफुल या मोर पर्सनैलिटी को डिसाइड करने का फैक्टर होता है बजाय एनवायरमेंट के, यानी इनहेरेंट से उसे जो मिला। और इनहेरेंट में क्या क्या चीजें बता रहे हैं, वो मिले हैं कि भैया वो एग्रेसिव हो सकता है, एग्रेसिव के साथ साथ क्या हो सकता है, लॉयल, प्लीजेंट, फ्लेक्सिबल, ह्यूमरस, सेंटिमेंटल। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स उसको कहां से मिली है, इनहेरेंट नेचर से मिली है, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। और अगर वो एग्रेसिव है तो उसको बोलेंगे भाई एग्रेसिव है, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत फ्लेक्सिबल है, आपकी बात मान लेता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, सबमिसिव। ठीक है, तो क्या डिसाइड हुआ कि ट्रेट थ्योरी में जो भी उसके पास पर्सनैलिटी है उसका रीजन उसकी इनहेरेंट पर्सनैलिटी हो सकती है, और उसके बाद उसमें कुछ इन्वायरमेंट होता है, लेकिन इनहेरेंट जो है उसका मोर पावरफुल होता है। दो थ्योरियों के बाद आखिरी जो लास्ट थ्योरी है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। देखो बिल्कुल बेसिक्स बता दूं मैं आपको, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी का मतलब ये है कि कुछ नहीं सब कुछ आप हैं, और आप कैसे बनते हैं, आप एनवायरमेंट से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, और ये जो थ्योरी दी गई किसने दी गई, कार्ल रॉजर्स ने ये थ्योरी दी। उसमें बोला, उसका थ्योरी का जो एसोसिएटेड थे उसका नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। उसमें बोला बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, सब कुछ वही डिसाइड करता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, वो अपने जीवन में अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप लोग कहते हैं कि सब ये नया जब लड़का आया था तो ठीक था, अब खराब हो गया, क्यों खराब हो गया, उसका क्या है, सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एनवायरमेंट ने उसे खराब कर दिया, आपको देख देख करके कि कैसे कस्टमर को भगाते हैं वो सीख गया, समझे, इसका मतलब क्या, कैसे लोन नहीं करना सीख गया वो, या वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जो बहुत अच्छे हैं तो वो भी अच्छा हो गया। तो किसने वो क्या, ये पर्सनैलिटी डेवलप करने के पीछे रीजन क्या था, रीजन था सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस। और सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस को बोलते हैं इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, कि उसका एनवायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब एक बात और आती है कि ये जो इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसको उसके काम को अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरफ ले जाएगा, और उसको फीडबैक, उसको मॉनेटरी रिवार्ड्स अगर हम देंगे तो वो क्या होगा, अपनी पर्सनैलिटी में एक अच्छा वो लेके आएगा, और यही मॉनेटरी रिवार्ड्स वगैरह उसकी जॉब सिक्योरिटी वगैरह जो अच्छी होगी, प्रमोशन के चांस अच्छे होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इंटेलिजेंसी उसकी पूछ होगी, तो वो क्या करेगा उसमें उसकी पर्सनैलिटी उसको क्या करेगी, उसके एक्सपीरियंस को बनाएगी, अच्छा बनाएगी, और उसकी पर्सनैलिटी एक अच्छी उसमें क्लियर होगी। तो ये हमारी तीनों थ्योरी जो है कंप्लीट हुई है। इस थ्योरी से जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक थ्योरी जो है जो चौथी थ्योरी है, यहाँ बोर्ड में जगह नहीं थी तो वो थ्योरी जो है हमारी स्पेशल लर्निंग थ्योरी, तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले।
जो फोर्थ थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब है कि उसको समाज से सीखने को, देखो एक तो एनवायरनमेंट फैक्टर हो गया, लेकिन उसमें बोला कि सोसाइटी से उसको समझ में आता है, और सोसाइटी से जो भी समझ में आता है वो तब समझ में आता है जब उसको रीइंफोर्समेंट मिले, मींस लोग कहें वाह क्या अच्छा है। मींस यहां ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं आ रही है, यहां बात आ रही सोसाइटी की। तो अगर हम अच्छा काम करते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं अगर हमें इज्जत मिलेगी तो। और अगर हम गलत काम करते हैं तो सोसाइटी हमको पनिश करती है, और पनिश करती है तो हमें उसका डर लगता है, तो हम उसको सुधरने की कोशिश करते हैं। और ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें क्या है, सोशल है ये बायोलॉजिकल से ज्यादा। आपका शरीर, आपकी इच्छाएं वो एक अलग है, लेकिन सोसाइटी आपको तय कराती है कि आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। इसमें एक चीज और होती है कि जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर क्रिएट्स करता है पर्सन का एनवायरनमेंट। आपके आसपास जो भी बिहेवियर फील हो रहा है उससे आपका एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होता है, और ये एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है किसके, पर्सन के बिहेवियर को। तो क्या बिहेवियर से ही एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से ही क्या है पर्सन का होता। तो ये चार थ्योरी हो गई, हल्का सा एक रेपअप लेते हैं। पहली थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी, दूसरी का नाम है ट्रेड थ्योरी, तीसरी का है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, और चौथी है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है आ सकता है, इसको आप ढंग से तैयार कर लीजिए। कोई केस स्टडी भी आएगी तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।